अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपका होस्ट बाबर खुर्शीद आपसे हॉटलाइन के ज़रिए मुखातिब है। आज हमने इरादा किया कि हम आज एक ऐसी जगह का विज़िट करें कि जो शायद ही आपके नोटिस में हो। वो जगह क्या है? वो जगह है अल बलाग इस्लामिक सेंटर, जो कि लाहौर के पोश एरिया में वाक़िया है। उसमें हमने आज विज़िट किया और हम आप साथियों को बताएंगे कि यहाँ पर आज हमने जो देखा वो बहुत ही यूनिक किस्म की शॉप देखी। हम एक जगह पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि हम आपको उस जगह का विज़िट ज़रूर कराएंगे। मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ शेयर करूँगा कि जब भी आप लाहौर में माल्टन लिंक रोड पर आएँ तो अल बलाग इस्लामिक सेंटर में ज़रूर विज़िट करें। जैसा कि जैसे हमारा अगर हम इस्लामिक कुतुब ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें एक बेहतरीन इस्लामिक कुतुब का सेक्शन है। अगर हम कुरान मजीद ख़रीदना चाहते हैं तो बेहतरीन कुरान मजीद के तमाम नुस्खे जात मौजूद हैं। और चलते चलते हम इरादा करते हैं कि चलें आज अहदीस की कोई किताबें ख़रीद लेते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, माजा, इस तरह की किताबों को हम आज ख़रीदने के लिए मौजूद थे वहाँ पर। फिर हमने वहाँ से वो किताबें भी देखीं। चलते चलते फिर हमें जानमाज भी मिले और जानमाज भी इतने अच्छे किस्म की नौयत के कि बिल्कुल दिल करता है कि आज इस चीज़ों को ख़रीदा जाए और अपने घर लेके आया जाए और इसके ऊपर नमाज़ पढ़ के एक सुकून हासिल किया जाए। और यकीनन हमें पता है कि हमारा सुकून सिर्फ नमाज में ही है। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज आँखों की ठंडक है। और फिर आगे हम चले तो हमें एक सेक्शन मिला जो कि खुशबुओं का सेक्शन था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू से बहुत प्यार था, तो खुशबू भी ऐसी कि जिसको लगाते दिल बेचैन हो जाता, और ऐसी खुशबू कि जहाँ से भी गुजरे वहाँ से उस खुशबू का नाम पूछने के लोग ज़रूर उससे पूछते हैं कि क्या नाम है इसका। फिर उसके बाद हमने विज़िट किया आगे और हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पाउडर्स या ऐसी अद्वियात या ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि आम इंसान की ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन अगर इंसान को कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई शुगर का प्रॉब्लम है या इस तरह के कोई मसाइल जो उसकी अपनी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो हम इन जितनी भी हर्बल अद्वियात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हर्बल अद्वियात यूज़ करना और उसका फ़ायदा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर हमने इरादा किया, फिर हमने यहाँ पर खजूरें भी देखी जो कि मबरूम, अजवा, अंबर, इस तरह की जितनी भी सऊदी अरब की जितनी भी खजूरें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर हमने वो खजूरों का भी एक सिलसिला देखा और हमने दिल किया कि हम कुरान मजीद भी ख़रीदें, जानवाज भी ख़रीदें और खजूरें भी ख़रीदें। और फिर चलते चलते मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ जो इरादा रखा, फैमिली के लिए यहाँ पर हमारी फ़ीमेल्स के लिए जब यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्काफ है और फिर इस तरह अबायाज़ हैं, चादरें हैं, शॉल्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि आप इस्लामिक एक माशरती तौर पर अगर इस तरह की शॉप देखना चाहते हैं तो ये अल बलाग इस्लामिक सेंटर जो कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर वाक़िया है, आप ज़रूर एक दफ़ा तशरीफ़ लेके आएँ, अपनी फ़ैमिली को भी लेके आएँ और ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करें। इसका मकसद कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी दीनी चीज़ों को भूल जाएं। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर चीज़ों को ख़रीदें और हमेशा के लिए अपने अहबाब को तोहफ़ा भी करें। और यकीनन ये जो तोहफ़े हैं ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी कि आप इसके अंदर आके वो सुनते ज़िंदा करते हैं जो जैसे कुरान है, जैसे नमाज है, जैसे खुशबू है, जैसे ये खजूर है, ये तमाम सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए एक ऐसी जगह। और एक आखिर में मैं आपको बात करता जाऊँ कि इसमें बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही अच्छी किताबें मौजूद हैं। बच्चों की तरबियत के लिए जो बेहतरीन किताब मौजूद है, मैं उसका नाम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा, वो नाम है बच्चों की सही बुखारी। गुजारिश करता हूँ आप अल बलाग इस्लामिक सेंटर का विज़िट करें। और हम अब आपको अल बलाग इस्लामिक सेंटर के जो मालिक हैं, उनका नाम है, इसका जो ऑनर हैं, इकराम साहब, राव इकराम साहब, आए हम उनसे गुफ्तगू आपकी कराते हैं, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब, आपका तारुफ तो हमने करा दिया है। राव इकराम साहब, आप अल बलाग के ऑनर हैं, तो आप इस इदारे को चला रहे हैं, कितने अच्छे से चला रहे हैं और इसकी अफादियत लोगों को बताएं, इसके बारे में आप ज़रा बताएं। वालेकुम अस्सलाम बाबर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए हैं और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं चीज़ों को। तो ये हम कोई 2010 में ये ब्रांच बनाई थी, तो 11 साल हो गए हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है ये, और एक दिन की खिदमत भी हो रही है। तो अब ये कोविड का थोड़ा सेशन था, ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया क्योंकि हाजी उमरा इसके अंदर बंद था। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होपफुली शायद हाजी उमरा स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी बिजनेस के अंदर, बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी हाजी उमरा पे जाएं तो ज़रूर जाएं, तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स बहुत अच्छे हैं, जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, अहराम है, बेल्ट है, मैनी डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, एक मुकम्मल पैकेज हमने बनाया हुआ है, डिफरेंट चीज़ें हैं, हर रेंज अवेलेबल है, कम भी है,
और वापस आए तो खजूरें भी यहाँ से मिलेंगी, खजूरें भी मिलेंगी, तस्बीह टोपी जाए नमाज हर चीज़ अवेलेबल इंशाल्लाह होगी ना, मतलब वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप जमजम आप लेके आएँ जितना ला सकते हैं। तो बाकी खजूरें हैं, तस्बीह टोपी, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। शुक्रिया, बहुत बहुत इकराम।